हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय अदर व्लॉग कैसे हो आप सब आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं थी दोहा में तो आज वापस जाने का टाइम आ गया है तो मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली और हमारी है रात की फ्लाइट दोहा के हिसाब से पौने ग्यारह बजे का टेक ऑफ है और इंडिया में हम लोग लैंड करेंगे अर्ली मॉर्निंग साढ़े चार बजे यानी कि पूरी रात हम फ्लाइट पर ही रहेंगे तो ये है थोड़ा सा दोहा का क्लिप्स तो ये मैं हमेशा लोगों की स्टोरीज़ में देखती थी स्टडी को और फाइनली आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया आई फील सो गुड एंड देन आई गेव माई बैग फॉर चेक इन और देखते ही देखते हम दिल्ली में लैंड हो गए देखते ही देखते तो नहीं वैसे काफ़ी हेक्टिक फ्लाइट थी आज और ट्रांसपोर्ट लेकिन आज मुझे जल्दी मिल गया मुझे लगा था कि वेट ना करना पड़े क्योंकि कभी कभी होता है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है तो हमें 15-20 मिनट रुकाया जाता है बट आज अच्छा दिन था मुझे जाते ही गाड़ी मिल गई और हाँ मैं बात कर रही थी आपसे फ़्लाइट की तो फ़्लाइट टाइम अगर मैं बोलूँ तो तीन घंटा बीस मिनट की फ्लाइट थी लेकिन उस तीन घंटा बीस मिनट में जो हमें सिर्फ बैठने के लिए टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे जो टाइम मिलता है ना बस वही हम बैठे उसके अलावा पूरे फ्लाइट पे इतना काम था कि लिटरली हम पूरा टाइम चलते रहे चलते रहे कैबिन में और आके मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया ना मेकअप हटाने का उसके बाद मैं सोई सुबह के सात बज गए थे मुझे घर आते आते और सोते सोते आठ बज गए थे एंड देन आई अप एट टू इन द आफ्टरनून जी हाँ और वो भी एकदम से भूख से मेरी आँख खुली देखा कुछ था भी नहीं यार कोई सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं पड़ी थी तो मैंने सोचा कि अपने लिए आज मैं बना लेती हूँ मसाला मैगी तो मैंने जल्दी जल्दी थोड़े से प्याज थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च काट ली जल्दी से इन दोनों को किया सोटे नमक मिर्ची ऐड करके और फिर डाला पानी क्योंकि जितना अच्छा आप ये मसाला भूनोगे आपकी मैगी उतनी ही मसालेदार और अच्छी बनेगी तो बीच में ही मुझे लग गई थी थोड़ी भूख तो मैंने बोला कहीं पढ़ा था मैंने ये आई डोंट नो कितना सच है और कितना झूठ कि अगर आप एम स्टमक डेट्स खाते हो तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैंने सिर्फ पढ़ा है कहीं पे आई डोंट नो कितना सच है और कितना नहीं और मैं इतना यू नो फुल हार्ट से इसको फॉलो नहीं करती हूँ बस ऐसी ही भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो जब तक मैगी बन रही है तब तक यही खा लेते हैं और मेरी आँखें भी कितनी ज़्यादा सूजी हुई लग रही है ना क्योंकि मैं सो के उठी थी एंड शुक्र है कि जब मैं कैब से उतरी तो मेरे घर के नीचे जो दुकान है वो खुली हुई थी और मुझे याद आ गया कि दूध और ब्रेड ये दोनों चीज़ें लेते हुए जाती हूँ कुछ हो ना हो ये दो चीज़ें होना तो तुम्हारा कुछ ना कुछ खाने का जुगाड़ हो ही जाता है तो इसलिए मैंने वो ले लिया था और जल्दी जल्दी मैगी बनाई और फिर देखा कि फ्रिज में पड़ी है कैप्सिकम तो अगर मैं मसाला मैगी बना रही हूँ तो क्यों ना इसमें कैप्सिकम भी ऐड की जाए तो थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने वो भी ऐड कर ली जल्दी से चॉप करके और यहाँ मेरा मसाला एकदम रेडी हो गया था तो मैंने जल्दी जल्दी उसमें मैगी ऐड की और पानी ऐड किया थोड़ी देर के लिए उसको अच्छे से पकाया और फिर ऐड कर लिया मैंने धनिया अब ये धोने का क्लिप मैंने नहीं डाला हुआ है बट मैंने वॉश किया था अच्छे से धनिया और उसके बाद ही मैंने इसमें कट करके डाला दूसरे तवे पर मैंने रख लिया आई I मीन mean, दूसरी गैस पर मैंने रख लिया तवा और उसमें थोड़े से ब्रेड सेक लिए तीन पीसेस भूख लगी थी यार ऐसे मैं दो ही खाती हूँ अब चलो बन गया है खाना जल्दी जल्दी डालते हैं प्लेट में और फिर खाते हैं और पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं एंड गाइज कुछ ऐसी दिख रही थी मेरी मसाला मैगी लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको देखने में कैसी लग रही है सिर्फ देखने में नहीं वैसे तो ये खाने में भी बहुत ही स्वाद थी और मुझे मैगी ब्रेड ऐसे खाना ज़्यादा पसंद है और ऐसा लगता है कि ऐसे खाने से पेट जल्दी भर जाता है हमेशा मैं ऐसे सैंडविच काइंड ऑफ बनाती हूँ और ऐसे खा लेती हूँ अभी आपको मेरा रिएक्शन जो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत दिन से खाने वाला ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है वो देखने को मिलेगा अभी देखिए वेट फॉर टाइम ये रहा एंड गाइस मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं जब बाहर गई थी तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी तो उनमें से ये है पहली चीज़ जो मुझे स्पेशल ऑफ़र पे मिल गई थी मैंने आज तक ये चॉकलेट खाया नहीं है चलो आज ट्राई करते हैं एंड गाइस मेरे ना सामने ही कैंची पड़ी थी बट मुझे वो यूज़ नहीं करनी थी क्योंकि आज मेरा कुछ तूफ़ानी करने का मन था इसलिए मैं पैकेट को ऐसे फाड़ रही हूँ बस ऐसे मन करा था यार और अभी ना ये वाली क्लिप आप देखते रहना क्योंकि ये अनफिल्टर्ड क्लिप है मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है देखो कितनी मुश्किल होती है एंगल के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है जब तो मैं सोच रही थी पहले ऐसे शॉट लेते हैं लेकिन कैमरे से बाहर ही चला गया सारा चॉकलेट्स फिर मैंने सोचा ऊपर से गिराती हूँ शायद शॉट अच्छा आए और फिर आया ये तो आप भी इन्जॉय कीजिए बिहाइंड द सीन्स इस वाले ब्लॉग में सो so, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये है पहला चॉकलेट और ये रहा दूसरा चॉकलेट तो ये वाला है हेजल नट मैंने ये आई थिंक पहले खाया है बट उसका पैकेजिंग थोड़ा सा डिफरेंट था वो भी आपने शायद मेरे व्लॉग में किसी ना किसी में देखा होगा बट दैट टाइम आई वॉज इन स्पाइस तो आई डोंट नो कि वो व्लॉग में था या नहीं बट नहीं पैकेट खोलने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये वो चॉकलेट नहीं है दिस इज़ सम डिफरेंट एंड गॉड दिस वॉज सो गुड मुंह में जाते ही पूरा ऐसे मेल्ट हो गया ये चॉकलेट यार और सबसे अच्छी पार्ट मुझे इसमें ये लगा कि जैसे हम स्ट्रगल करते हैं ना चॉकलेट तोड़ने में तो इसमें सारे चॉकलेट्स जो थे वो इंडिविजुअल पीसेस थे मीन्स आपको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है सिर्फ एक चॉकलेट निकालो एंड मज़े से खा लो और मेरा रिएक्शन देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कितना टेस्टी था अब मेरी बहन मुझे गालियाँ देगी बोलेगी खुद तू अलग अलग, अलग चीज़ें ला ला के खा और मुझे कुछ मत खिलाना लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपने घर वालों के लिए लेके भी आ जाऊँ ना तो आई के नॉट कीप इट फॉर देम मेरा चॉकलेट्स और आइसक्रीम के लिए इतना लालची नेचर है ना कि मैं खुद ही खा जाऊंगी सो इट्स बेटर कि जब मुझे उनसे मिलना होगा मैं तब खरीदूँगी उनके लिए और फिर मैं यहाँ शाम को निकल गई थी बाहर सामान खरीदने के लिए तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ सर्फ लेने जा रही हूँ और मेरे कमरे में थोड़े से कीड़े दिख रहे थे मुझे उनके लिए एक दवाई लेने जा रही थी बट अगेन माई लालची नेचर मैं चाइनीज से भी अपने आप को बिल्कुल भी यू you नो know, दूर नहीं रख पाती हूँ तो यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ हो गई ये तीन चीज़ें देख के एक ग्ञानीज की आइसक्रीम दूसरा राज कचौड़ी गोलगप्पे देख के फिर तीसरा स्प्रिंग रोल देख के तो पहले मैंने सोचा कि मैं दोनों में से क्या खाऊं लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ही ज़िंदगी है यार क्या दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना तो पहले मैंने खा लिए स्प्रिंग रोल जिसका टेस्ट ओकेश था आई विल गिव सेवन आउट ऑफ टेन नहीं सिक्स आउट ऑफ टेन और फिर मुझे लगा कि टेस्ट अच्छा करने के लिए चलो गोलगप्पे भी खा लेते हैं तो मैंने वो भी खा लिए फिर मुझे ख़रीदना था हिट और सर्फ एक्सल जिसके लिए मैं आई थी मेन तो मैंने वो खरीद लिया था और फिर घर जाने के बाद मैंने शुरू कर दिया कीड़ों के साथ लड़ाई तो यहाँ मैं करी थी स्प्रे आई डोंट नो यार दो दिन घर से बाहर रहो और ये कीड़े कहाँ से आ जाते हैं समझ में नहीं आता एंड आई सी लेट नाइट क्रेविंग्स अगेन आई एम एडिटिंग फॉर यू और फिर से मेरा मन कर रहा है ये खाने का तो मैं दोबारा खा रही हूँ सो यार गाइज अब एडिटिंग हो चुकी है और मेरी ये मिड नाइट क्रेविंग ना मुझे मेरा वजन बढ़ा के ही सांस लेंगी तो इस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और मेरी डार्क सर्कल जितने हो गए ना रात को एडिटिंग कर करके बट इट्स ओके एनीथिंग फॉर यू एंड मिलेंगे आपसे बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग